दोस्तों इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं टेबल टेनिस प्लेयर मनिका बत्रा के बारे में। मनिका बत्रा को तो शायद आप जानते होंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं, मनिका बत्रा ने अपने टेबल टेनिस की वजह से कई बार गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल जीता है। तो इस वीडियो में इनकी लाइफस्टाइल और बायोग्राफी के बारे में बताने वाले हैं। अगर आपको मनिका बत्रा अच्छी लगती है तो इस वीडियो कर दे लाइक। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब और बेल आइकन भी प्रेस कर लें। मनिका का फुल नेम मनिका बत्रा है। प्रोफेशन से मनिका टेबल टेनिस प्लेयर है। मनिका का जन्म 15 जून 1995 को दिल्ली में हुआ और 2021 के हिसाब से ये 26 साल की हैं। दोस्तों मनिका ने 4 साल की उम्र से ही टेबल टेनिस खेलना शुरू कर दिया था और इनका एक भाई और एक बहन है जो कि दोनों ही टेबल टेनिस प्लेयर है। और मनिका ने स्टेट लेवल अंडर 8 टूर्नामेंट जीता और इस मैच को जीतने के बाद मनिका ने फैसला लिया कि वह कोच संदीप गुप्ता से ट्रेनिंग लेंगी, जिन्होंने मनिका को हंसराज मॉडल स्कूल जाने की सलाह दी, जहाँ पर टेबल टेनिस का बेहतरीन ट्रेनिंग मिलती है। और इन्होंने अपने सेकेंडरी एजुकेशन की पढ़ाई भी दिल्ली हंसराज के मॉडल स्कूल से की और ग्रेजुएशन की पढ़ाई करने के लिए दिल्ली के जीसस एंड मैरी कॉलेज चली गई। हालांकि टेनिस पर ध्यान देने के लिए इन्होंने फर्स्ट ईयर में ही कॉलेज छोड़ दिया। और बहुत ही कम लोगों को पता है कि शुरुआती दिनों में मनिका बत्रा को मॉडलिंग के भी ऑफर मिले। हालांकि मनिका ने टेबल टेनिस पर ध्यान दिया और मॉडलिंग ऑफर को रिजेक्ट कर दिया। अब बात करते हैं मनिका बत्रा के करियर के बारे में। मनिका ने 2008 में सिर्फ 13 साल की उम्र में इंटरनेशनल लेवल टूर्नामेंट में भारत को रिप्रेजेंट किया और 2011 में चिले ओपन के अंडर 21 कैटेगरी में मनिका ने सिल्वर मेडल जीता। और मनिका ने ग्लेसगो में 2014 कॉमनवेल्थ गेम में भारत को रिप्रेजेंट किया, जहां वे क्वार्टर फाइनल तक पहुंचने में कामयाब रही। और साथ ही साथ मनिका ने 2014 के एशियन गेम में भी पार्टिसिपेट लिया। और मनिका ने 2015 में कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप में 3 मेडल जीते, जिसमें महिला टीम में सिल्वर मेडल जीता अंकिता दास और मोमा दास के साथ मिलकर, और वुमेन्स डबल में अंकिता दास के साथ मिलकर जीता और सिंगल्स में ब्रॉन्ज मेडल जीतकर अपने नाम किया। और दोस्तों मनिका ने 2016 साउथ एशियन गेम में 3 गोल्ड मेडल जीते। मनिका बत्रा ने कॉमनवेल्थ गेम 2018 में टेबल टेनिस महिला सिंगल्स फाइनल में सिंगापुर की मियांग यू को हराकर गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रच दिया। इसके साथ ही वे कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस में गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला भी बनी। ये टूर्नामेंट मनिका बत्रा के लिए किसी सपने से कम नहीं था, क्योंकि उन्होंने 4 कंपटीशन में 4 मेडल जीते थे, जिसमें से 2 गोल्ड मेडल, 1 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मेडल शामिल था। और 2020 टोक्यो ओलंपिक में इनको हार का सामना करना पड़ा। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, 2020 में ही मनिका को राजीव गांधी खेल रत्न का अवार्ड से नवाजा भी गया। दोस्तों आप हमें कमेंट करके जरूर बताना मनिका बत्रा आपको कैसे लगती है। चलिए मिलवाते हैं आपको मनिका बत्रा की फैमिली से। तो इनके फादर का नाम है गिरीश बत्रा और इनकी मदर का नाम है सुषमा बत्रा, और इनके एक भाई भी है जिनका नाम है साहिल बत्रा और ये मनिका बत्रा से बड़े हैं, और इनकी एक बहन भी है जिनका नाम है आंचल बत्रा और ये भी मनिका से बड़ी हैं। वहीं बात करें इनके रिलेशनशिप स्टेटस के बारे में, तो मैं आपको बता दूं, मनिका बत्रा अभी अनमैरिड है और इनका कोई भी बॉयफ्रेंड नहीं है। बात करें मनिका बत्रा के हाउस के बारे में, तो दोस्तों मनिका अपनी फैमिली के साथ नारायणा विहार दिल्ली में रहती हैं। वहीं बात करें मनिका के कार कलेक्शन के बारे में, तो इनके पास कार है होंडा सिटी ZX और इस कार की प्राइस है 14 लाख रुपीज। और दोस्तों मनिका के पास एक स्कूटर भी है, इनके पास वस्पा स्कूटर है और इस स्कूटर की प्राइस है 1 लाख रुपीज। वहीं बात करें मनिका बत्रा के इनकम के बारे में, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, मनिका बत्रा टेबल टेनिस खेलकर अच्छा खासा इनकम कर लेती है और इनको ज़्यादातर प्राइज मनी भी मिलते हैं जब ये मैच जीतती हैं। वहीं बात करें मनिका के नेटवर्थ के बारे में, तो इनका नेटवर्थ है 90 लाख रुपए। तो ये थी मनिका बत्रा की लाइफ स्टाइल वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो कर देना लाइक। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब और बेल आइकन भी प्रेस कर लेना।